बदलाव हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कई हजार सालों से इंसानियत ने कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जिससे हमारी जिंदगी आसान हो गई। आज जो हम कर सकते हैं वो 100 साल पहले सिर्फ सोच सकते थे। 100 साल बाद जो हम करेंगे आज उसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। इसी तरह से इंसान के शरीर में हजारों सालों से बदलाव होते आ रहे हैं। कई हजार साल पहले जो हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर था उससे कई ज्यादा फर्क आज के हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में आ चुका है और ये आगे भी आता रहेगा। डार्विन के क्रम विकास सिद्धांत के अनुसार बदलती वातावरणीय परिस्थिति के अनुसार जो जाति प्रजाति अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए अपनी शारीरिक संरचना में बदल करेगी वही इस दुनिया में बची रहेगी। तो इसी सिद्धांत के आधार पर आज हम जानेंगे कि हजारों साल बाद इंसान कैसा दिख सकता है उसके बारे में। आप हो यूनिवर्सल एडवेंचर के साथ, मैं हूँ फैक्ट फिक्शन। ये एक कोलैबोरेटेड वीडियो है। आपको मेरे फैक्ट फिक्शन इस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। स्मॉलर टीथ। लाखों साल पहले मौजूद इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करता था। फिर उसे पता चला कि इस धरती पर कई ऐसे वनस्पति है, फल है जो खाए जा सकते हैं। तो इंसान ने ऐसी चीजों की खेती करना शुरू कर दिया और वो शाकाहारी बन गया। और इसी वजह से उसका जबड़ा और बड़े दांत जो कि शिकार करके खाने के लिए बने थे वो दांत छोटे होते चले गए। आज के समय के इंसान में पहले के मुकाबले दांतों की लंबाई आधी भी नहीं रही। दांतों की लंबाई कम होने की प्रक्रिया आज भी जारी है। इसका मतलब भविष्य मानस की दांतों की लंबाई आज से कई ज्यादा कम होगी। मोनो एथनिसिटी। दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट में जन्मा हुआ इंसान अलग अलग तरह से विकसित हुआ है। अलग अलग इंसानों में सिर्फ रंगों के 100 तरह के जीन्स पाए जाते हैं और ऐसी कई शारीरिक संरचनाएं हैं जो अलग अलग है। हजारों सालों पहले आने जाने का माध्यम ना होने के कारण ये इसी तरह से एक दूसरे से अलग विकसित होते आ रहे थे। पर अब कुछ 100 सालों से आवाजाही के कई माध्यम अवेलेबल होने के कारण इनका एक दूसरे से संपर्क बढ़ता चला गया और संबंध बढ़ते चले गए। और इसी वजह से भविष्य में पृथ्वी पर ऐसी मानव प्रजाति उपलब्ध होगी जिनका रंग शारीरिक संरचना एक ही तरह की होगी। हाइट विल इंक्रीज। अगर हम आखिरी 200 सालों का लेखा जोखा ले लें तो हमें पता चलेगा कि उस वक्त मनुष्य की जो एवरेज हाइट हुआ करती थी आज उसमें 10 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और ऐसा हमारे खाने में बढ़ते न्यूट्रिशन की मात्रा की वजह से हुआ है। पहले से ज्यादा पौष्टिक खाना मिलने की वजह से लगातार हमारी हाइट बढ़ती चली जा रही है। जब तक मनुष्य में अधिक खाने की क्षमता मौजूद रहेगी हमारी हाइट यूं ही बढ़ती रहेगी। लेस टोज। लाखों साल पहले जब इंसान बंदर हुआ करता था तब उसके पैरों की अंगुलियां बड़ी हुआ करती थी। वो पेड़ों पर चढ़ने में हमारी मदद करती थी तथा पेड़ पर पकड़ बनाने में आसानी हो जाती थी। पर जैसे जैसे पेड़ पर चढ़ना कम हुआ और बंदर इंसान बनता चला गया उसकी पैरों की अंगुलियां और छोटी होती चली गई। अंगुलियां छोटी होने की ये प्रक्रिया आज भी जारी है और इसी वजह से भविष्य में इंसान की अंगुलियां और भी छोटी हो सकती हैं। वेब्ड हैंड्स। मनुष्य ने अपने दम पर की हुई प्रगति का नेचर पर काफी बुरा असर भी पड़ा है। इससे कई बड़े खतरे भी सामने आए हैं। ऐसा ही एक खतरा हमारे सामने है और वह है ग्लोबल वार्मिंग। इसी तरह पोल्यूशन होता रहा, पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा तो पृथ्वी पर मौजूद सारी बर्फ धीरे धीरे पिघल जाएगी और भविष्य में एक दिन पृथ्वी पर सिर्फ पानी का राज होगा। और उस दिन पानी में अपनी प्रजाति को बचे रहने के लिए इंसान के शरीर में कई बदलाव होंगे। उसके हाथों में जाले बन जाएंगे, उसकी आंखें और बड़ी हो जाएगी जिससे वो पानी में आसानी से देख सके और ऐसे कई बदलाव इंसान के शरीर में देखे जा सकेंगे। तो साइंस की नज़र से ये थी कुछ चुनिंदा फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। ये वीडियो फैक्ट फिक्शन इस यूट्यूब चैनल की पेशकश थी। आप जिस तरह से यूनिवर्सल एडवेंचर इस चैनल को प्यार दे रहे हो उसी तरह से मेरे फैक्ट फिक्शन इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।